A very, very good afternoon to all my dear students here. I hope you all are staying safe, doing well, and making the best of this time by studying more, even more harder now. All right, so let's just begin with today's class. So over here, I would just like to brief you one thing over the batch. That is, it has already been started. Still, if you want to have admission in this, the code is Y251, and guys, the amount will cost you just 8 to 8.50. Very, very minimal amount, I must say. That is this, and this is for the complete batch. Yes, and another batch for defense is commencing from 20th of July. Again, I hope this is clear to all of you that the code is has to be used the same, and the batch starting date is 20th. So now, what you all have to really do to get back to over here would be on Google. You have to type Adda 247, and यहाँ पर जाने के बाद students Google पर ये type करेंगे. Search option में आप लोग F के add डालेंगे. F के add डालने के बाद ये page similarly आपके सामने ऐसे ही खुल जाएगा friends. And then you have to click on to view offers. यहाँ पे आप अपने एक mail ID डालेंगे. एंड येस ऑफ कोर्स द कोड Y251, ये वाला कोड डालने पर आपको ये जो 22% दिखा रहा है, ये 82 या 85, 82 से 85% हो जाएगा. एंड अबव ऑल ये सिर्फ 800 से 850 ही रह जाएगा. अगेन ये बिकॉज सब सब स्टूडेंट्स पूछते हैं, आई थॉट तो सबको बता दिया जाए. दिस टॉपिक वुड बी एंथनिम्स व्हिच मींस द ऑपोजिट वर्ड्स एंड वी विल बी डूइंग दिस Definitely with tricks so that it stays in your mind for even longer period of time. All right, so आप कैसे हैं? सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं आई बिलीव. और भी स्टूडेंट्स आएंगे, सो इट्स बेटर टू मेक देम ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. आप लोग स्टूडेंट जितने भी हो अभी या जितने अभी जुड़ेंगे उनको बाद में बोल दिया जाएगा, फटाफट से एक लाइक डाल दो जल्दी से. आज हम एंटोनिम्स करने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी ये हम ऐसी ट्रिक्स के साथ करेंगे कि चीजें आपको याद रहे. सो इफ यू टॉकिंग अबाउट डी राइड मीन्स अ टॉन्टिंग और अ डिस्करेजिंग थिंग. वेन एवर यू आर राइडिंग एंड समवन स्टॉप्स यू टू राइड, तो आप डिस्करेज हो जाते हैं. यू फील योर सेल्फ वेरी मच डिस्करेज एंड डीमोटिवेटेड फील होते हैं. होप आई एम क्लियर. एंटोनिम क्या होगा इसका? अगर आप किसी को डिस्करेज कर रहे हैं तो दैट इज एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग. हाउ डिड यू फाइंड दी ट्रिक डी राइड? आप कोई स्कूटर बाइक गाड़ी चला रहे हैं बट कोई आपको डी राइड करने को बोलता है तो दैट इज बहुत ही मोटिवेटिंग और डिस्करेजिंग लगता है. होप आई एम क्लियर. तरुण से शुक्र है, ऐसी ट्रिक इंग्लिश में भी है. बिल्कुल है, एंड बहुत सभी वर्ड्स के साथ है. एग्जाम्पल होगा इसका, दीज क्वेश्चन आर नॉट मेंट टू मॉक और डी राइड एनी वंस बिलीव. नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज दिस देन, दैट इज द नेक्स्ट वर्ड. एंड गाइज इसको ऐसे लर्न करो कि एक स्लाइड में आप 1 2 3 4 5 6 आप एक स्लाइड में 6 वर्ड न्यू लर्न करते हो. मिनिमम 5, मैक्सिमम 10 भी हो जाते हैं कभी कभी. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे हम आते हैं, हम डिसडेन. डिसडेन की बात करते हैं तो डिसडेन का मतलब क्या होता है? बहुत ही डिसप्लीजिंग. ठीक है, डिसरिस्पेक्ट, डिसप्लीजिंग इफ आई से, और एरोगेंस, डिसलाइक, डिसरिस्पेक्ट, तो उसको आप डिसडेन बोलते हैं. व्हाई आई हैव मेड वन वन एग्जांपल फॉर ईच वन ऑफ यू इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड द ट्रिक इन अ बेटर वे. सो एग्जांपल सेज ही शोड हिज डिसडेन फॉर आवर चाइल्डिशनेस. ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? रिस्पेक्ट करना, वैल्यू करना. जब आप किसी को डिसरिस्पेक्ट करते हैं तो एंटोनिम में आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे. ठीक है, डिसप्लीज कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं या एरोगेंस दिखा रहे हैं तो आप उसको वैल्यू करेंगे. तो किसी भी शब्द का जब एंटोनिम की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो एंटोनिम निकालने के लिए या एंटोनिम को एग्जैक्टली सही समझने के लिए हमें मीनिंग का जानना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है. अगेन जब मैंने आपको सी आई ट्रिक बताई थी, आई ई या ई आई या आई ई का ट्रिक बताया था, तब मैंने आपको ये वर्ड भी कराया था. होप आप सभी को याद है.
वेरी गुड अनु, वेरी गुड। चलो, डिसीट का मतलब होता है डिसीटिंग, चीटिंग, राइट? डिसीटिंग, चीटिंग। एंड टू ऑल अदर्स, जो भी पेड बैच चलता है माय डियर स्टूडेंट्स, हम उस पेड बैच में हमेशा हमेशा ऑलवेज जीरो टू एडवांस लेवल ट्रिक्स करते हैं। मतलब सभी हम बेसिक से शुरू होंगे और हायर लेवल तक जाएंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा, या ऐसा नहीं आप देख रहे होंगे कि हम सीधा ही जंप कर जाएंगे। पहले हम मीनिंग करेंगे, और जो जितनी भी वोकैब है हम उसको ट्रिक्स के साथ करते हैं, जितनी भी इंग्लिश की ग्रामर है हम उसको प्रॉपर रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के साथ करते हैं। ठीक है, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो डिसीटिंग का मतलब होगा यहाँ पे चीटिंग, विच मीन्स डिसेप्शन, डबल डीलिंग, फ्रॉड, चीटिंग एंड ब्लफ। क्या सभी को समझ आ रहा है? जल्दी बता दीजिए। बेस्ट पार्ट बताती हूँ मैं क्लास का। आज हम क्या करेंगे, आज हम लेटर डी के सारे वर्ड्स कर रहे हैं पहले तो, इसके बाद हम एक शॉर्ट टेस्ट करेंगे, फिर हम लेटर ई करेंगे और एफ भी करेंगे। ठीक है, सभी को समझ आ रहा है यहाँ पर या नहीं? यस और नो क्विकली लिख दीजिए, जल्दी जल्दी क्विकली। शी इज डिसीजिंग हर पेरेंट्स ऑन द नेम ऑफ स्टडीज। ओके जी, नमस्कार सत्येंद्र आपको भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंटोनिम क्या होगा? अब आप देखो आपने वर्ड्स कितने लर्न करें। आई विल जस्ट मार्क इन द वर्ड्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। एक स्लाइड में आपने 9 वर्ड्स लर्न करे हैं न्यू, सिर्फ एक स्लाइड में। मान रहे हो मेरी बात या नहीं? ज्योति मिश्रा, ये क्लास रोज होता है डियर, 2 बजे, 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक ये क्लास रोज चलता है। तो किसी के पास अपने पूरे स्केड्यूल में 30 से 40 मिनट हो तो जरूर निकालें, जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, एंटोनिम क्या होगा? जब आप किसी को फ्रॉड करते हैं तो मतलब आप ऑनेस्टी या लॉयल्टी शो कर रहे हैं। इन ऑपोजिट टू दैट, आई एम सेइंग ऑपोजिट टू दैट, तो बीइंग ऑनेस्ट, बीइंग लॉयल। हाँ, एक और नया वर्ड, वेरासिटी एंड सिंसेरिटी, ये दो न्यू वर्ड्स हैं फॉर अ पर्टिकुलर वर्ड डिसीट, विच इज द एंटोनिम ऑफ दीज सेड वर्ड्स। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू। या तरुण सब, क्योंकि हम ट्रिक के साथ करते हैं तो बिल्कुल याद रहते हैं। डिसीटिंग, चीटिंग, अब जब किसी को चीट कर रहे हो तो मतलब ऑनेस्टी शो करोगे ना, मतलब ही तो याद रखना है आपको। एंटोनिम तो फिर भी आप ऑप्शंस देख के निकाल लोगे, और अभी जब मैं टेस्ट लूंगी क्लास के बाद, मैं आपको सिर्फ वर्ड लिख करके छोड़ दूंगी, ऑप्शंस भी 4 नहीं दूंगी मैं। यू विल राइट द मीनिंग योर सेल्फ। इस तरीके से हम लर्न करेंगे। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज डू नॉट यूज एनी डिसीट इन योर रिलेशनशिप, डू नॉट यूज एनी फ्रॉड, एनी चीटिंग, एनी सॉर्ट ऑफ डिसेप्शन इन योर रिलेशनशिप। डिमोलिश का मतलब क्या होता है? बिल्कुल र्यून कर देना, तबाह कर देना, तबाह कर देना, र्यून कर देना, टू डेवास्टेट। ठीक है, अब जब किसी चीज को आप र्यून कर देते हैं तो मतलब फिर आप उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे, रिपेयर करेंगे। जब कोई चीज आपने उजाड़ ही दी, उजाड़ दी, तो फिर आप उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे ना। एम आई राइट और नॉट? जी, टेस्ट भी होगा अभी ही क्लास में, लाइव टेस्ट। लेटर डी कंप्लीट होते ही टेस्ट होगा पूरा का पूरा, इसी में से अभी होगा तुरंत। टू आई नॉट 2 मिनट्स, आई थिंक 5 मिनट्स टेस्ट होगा। तो अभी तरुण आपको समझ आ जाएगा कितने दिमाग में है कितने नहीं है। डिमोलिश का मतलब तो इजी है, समझ आ रहा है? जैक्स न्यू हाउस वॉज डिमोलिश टू मेक द वे फॉर शॉपिंग सेंटर। मतलब उसका घर र्यून कर दिया गया, तबाह कर दिया गया, उजाड़ दिया गया फॉर दिस पर्पज। यस और नो? यस और नो कंप्लीट? ओके, अंडरस्टूड। आगे बढ़े, चलिए। डिसाइल, डिसाइल का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा ओबीडियंट, बहुत ही ज्यादा प्लीजिंग। रिपोर्ट कार्ड्स में यूज होता है वर्ड, लड़कियों की रिपोर्ट कार्ड्स में, यू आर, या फिर शी इज अ वेरी डोसाइल चाइल्ड, निकोल इज अ वेरी डोसाइल चाइल्ड। तो ओबीडियंट का एंटोनिम डिसोबीडियंट, विलफुल।
होप आई एम क्लियर। नहीं तरुण, खेल नहीं बिगड़ेगा, घबराए मत। पीपल आर डिमोलिशिंग फॉरेस्ट, इज नहीं होगा, आर होगा। टेस्ट अभी होगा, अरे अभी टेस्ट पे क्यों जा रहे हो, पहले यहां फोकस करो, इन्हीं का टेस्ट होगा। चलिए, जो लोग भी न्यू हैं प्यारे बच्चों, 2 से 2.5 क्लास रोज होता है, डेली सेशन ऑन यूट्यूब। दिस इज अ डेली सेशन। कहाँ पे? यूट्यूब पे। माई नेम इज अमृत कौर। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल टू गेट इन ऑल द वीडियोस। ठीक है, प्लेलिस्ट भी आउट है मेरा स्टूडेंट्स, प्लेलिस्ट इज ऑल्सो आउट। आप जाके यूट्यूब पे चेक कर लें, SSC CPO डालेंगे तो मेरा पूरा का पूरा प्लेलिस्ट खुल जाएगा। SSC CPO डालना है आपको कहाँ पर? यूट्यूब पे डालना है, SSC अड्डा 247 पर जाना है। पहले यूट्यूब खोला, टाइप करो SSC अड्डा 247, फिर टाइप करो SSC CPO, मेरा पूरा का पूरा स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट खुल जाएगा। फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स को तो बुला लो जल्दी से, व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर। जो भी न्यू है, वेरी गुड, आई वेलकम यू ऑल। आज हम पर्टिकुलर टॉपिक एंटोनिम्स कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डेसिफर का मतलब क्या होता है? डी कोड। तो एंटोनिम क्या होगा? एन कोड। मिस इंटरप्रेट करना, डिस्टॉर्ट करना। डेसिफर का मतलब होता है आप किसी चीज को सॉल्व कर रहे हो, डी कोड कर रहे हो। अब समझो इसको कैसे। जब मैं कहती हूँ यार इसमें कोडिंग लगा दो, तो मतलब आपने कोड लगा के एक प्रोग्राम बना दिया, बट उस प्रोग्राम को अब ओवर करना है, खोलना है, तोड़ना है, तो आप उस कोड को डी कोड करते हो। ठीक है, तो उस एन कोड को डी कोड करेंगे। ऐप नहीं है माई डियर, टेलीग्राम जरूर है रनौलिया। ठीक है, चलिए, ऐप तो मेरा नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी से। सो विजुअल सिग्नल्स हेल्प अस डेसिफर व्हाट इज बीइंग कम्युनिकेटेड। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, लेटर ई। अब इससे पहले कि हम लेटर ई पे जाएं, मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखूंगी, आप सभी को मतलब बताना है, और टेस्ट स्टार्ट करेंगे हम यहीं से। ठीक है, चलिए, सभी को दिख रहा है, जल्दी बता दें क्विकली। डोसाइल का बता दीजिए मैम एक बार। तरुण आप बोल रहे हैं डोसाइल का मतलब, डोसाइल मतलब होता है ओबीडियंट, तो निकोल इज अ वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, वेरी डोसाइल चाइल्ड, बहुत ही ओबीडियंट। तो एंटोनिम होता है डिसओबीडियंट एंड विलफुल। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? यस और नो, जल्दी बताएं क्विकली, किसी के जवाब नहीं आ रहे हैं, जल्दी। मैंने सभी वर्ड्स आपके सामने यहाँ लिख दिए हैं, आई होप यू ऑल कैन सी द स्क्रीन। दिस विल बी द मीनिंग, दिस विल बी द एंटोनिम, मीनिंग और सिनोनिम। क्या आप सभी को दिख रहा है, जल्दी बता दे क्विकली, यस जल्दी, यस और नो। जय हिंद सभी को, जय हिंद। चलिए फटाफट बताएं, डिसडेन क्या होता है? बहुत ही, क्या बताएं जल्दी से, डिसडेन। यस मैम, नहीं आंसर बताना है अब। क्या बताया था मैंने? डिसडेन का मतलब बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्ट और डिसप्लीज करना किसी चीज को। यस और नो, डोसाइल क्या बताया था जल्दी? अभी अभी तो जस्ट 1 मिनट पहले ही किया है, जल्दी बताएं। अभी रिव्यू भी करेंगे, डोंट वरी। आप लोग लिख कर बताएं जल्दी से। डोसाइल हमेशा रिपोर्ट कार्ड में आता है, ओबीडियंट बच्चों के लिए। जल्दी, डेसिफर का मतलब आप सॉल्व कर रहे हैं, आप कोड कर रहे हैं, नहीं डी कोड कर रहे हैं, डी से याद रखो। डिसीटिंग चीटिंग, तो फ्रॉड, चीटिंग, ब्लफ, डबल डीलिंग,
ठीक है, डी राइड करते हैं तब तो क्या होता है, आप डिस्करेज कर रहे हैं या किसी चीज को डीमोटिवेट कर रहे हैं। जब कोई गाड़ी स्कूटर साइकिल चला रहा है तो उसको मोटिवेट करो ना कि अच्छे से चलाओ, उसको डीमोटिवेट करके उसको डिस्करेज नहीं करेंगे आप, और डीमोटिवेट। तो ये सब तो हो गए मीनिंग्स, समझ आ गया कितना क्विकली, हमने ऑप्शन भी नहीं देखा। यस और नो, यस नो बता दीजिए जल्दी। सभी लोग सही बोल रहे हैं, दैट इज सो ब्रिलियंट। अब आप बताइए कि मैंने आपको क्या चार ऑप्शंस का भी ऑप्शन दिया कोई, या एक भी ऑप्शन का ऑप्शन दिया? देने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। एंड व्हाई विल आई गिव, सीधा चीजें यहाँ दिमाग में बैठ गई हैं। चलिए अब जल्दी हम लेटर ई पे चल रहे हैं, क्योंकि हमें लेटर ई भी कंप्लीट करना है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो, क्योंकि आप आज जुड़े हैं चैनल में तो अच्छे से वो कैप कवर कर लें और ई भी कवर कर लेंगे पूरा। बट आई स्टिल थिंक कि यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा। बता दें जल्दी, किसी को डाउट आया है तो इन पांच शब्दों में। एक आधा मिस भी हो गया हमारा, दैट इज डिमोलिश। यस चलिए, यहाँ मैंने डिमोलिश नहीं लिखा आप लोगों के लिए। अब आप लोग सभी लोग मुझे डेमोलिश का मतलब बता दीजिए, मतलब भी और एंटोनिम भी। जल्दी से बता दें जल्दी, क्विकली। नो मैम, डी क्लियर? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट। चलो वेरी गुड वेरी गुड। रियून कर देना, डिवास्टेट कर देना, तबाह कर देना, तो क्या बोलेंगे ऑपोजिट में? कंस्ट्रक्ट करना और रिपेयर करना। सही बोल रही हूँ या नहीं? यस और नो। चलिए फटाफट अब लेटर ई पे चलते हैं, और ई का भी इसी तरीके से हम टेस्ट लेंगे। ई सेंट्रिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा ऑड, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फील करना, वियर्ड फील करना। सो ऑड, स्ट्रेंज एंड वियर्ड। तो एंटोनिम क्या होगा? कोई भी चीज आपको स्ट्रेंज लगती है तो एंटोनिम वुड बी बहुत, जो कि बहुत नेचुरल एंड कन्वेंशनल है। एग्जाम्पल, निक नोटेड हर इसेंट्रिक अपेयरेंस, मतलब कि निक ने उसकी ऑड, वेयर्ड या स्ट्रेंज अपेयरेंस को नोट कर लिया। काना आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। काना स्वेन, डोंट शो योर टेलीग्राम चैनल इन टेलीग्राम। मैं नहीं समझ पाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। चलिए, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून विष्णु कुमार। चलिए, ईसेंट्रिक समझ आ गया? यस नो, क्विकली बता दो जल्दी। आई एम नॉट एबल टू सी योर आंसर्स, क्विकली बी क्विक। यस नो तो लिखो, समझ आ रहा है, आगे बढ़े। एक्सटेसी, एक्सटेसी होता है वेरी ओवरवेलमिंग फीलिंग, बहुत ही ग्रेट हैप्पीनेस, बहुत ही ज्यादा खुशनुमा फीलिंग, दैट इज ओवरवेलमिंग फीलिंग, ग्रेट हैप्पीनेस। व्हेन यू आर, यू कैन से व्हेन यू आर ऑन क्लाउड नाइन, यू हैव अ फीलिंग ऑफ एक्सटेसी। जब आप क्लाउड नाइन पे हैं, यू आर हैविंग अ फीलिंग ऑफ एक्सटेसी। तो क्लाउड नाइन और फीलिंग ऑफ एक्सटेसी दोनों ही सिमिलर हो गए, ठीक है। ईडियम भी कवर हो गया साथ के साथ। चलिए एंटोनिम क्या होगा? डिस्पेयर। डिस्पेयर मतलब कि अरे यार, जब आप बहुत सैड, पेन, डिप्रेस्ड और यू नो वेरी लो, ग्लूमी, ठीक है। तो हमने कितने वर्ड लर्न करे? 1 2 3 4 5 सिक्स, अगेन सिक्स वर्ड्स एंड एक idiom। 6 to 7 हमने वो कैब यहाँ फिर से लर्न कर लिए। टेलीग्राम शो नहीं कर रहा मेरा,
देयर मस्ट बी सम टेक्निकल इशू देन, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए. इट इज इंग्लिश बाय अमृत कौर, कहना इंग्लिश बाय अमृत कौर. चलिए हम यहाँ देख रहे हैं. देर वॉज अ फीलिंग, देर वॉज अ लुक ऑफ एक्सटेसी ऑन हिज फेस, मतलब देर वॉज अ लुक ऑफ ओवरवेलमिंग, दैट्स अ ग्रेट हैप्पीनेस फीलिंग ऑन हिज फेस. ठीक है, ईसेंट्रिक का ट्रिक. चलिए आइए अब देखिए, सेंट्रिक क्या होता है. जब आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं. ठीक है तरुण, आपके लिए बता रही हूँ, ये सिर्फ ट्रिक है, इसको और तरीके से नहीं समझना है. कहीं सेंट्रिक का मतलब जिंदगी में यही बना दे. वेरी गुड अनु. ठीक है विजय, इट्स अ एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप, ओनली इट्स अ एप्लीकेशन. ठीक है चलिए, अब तरुण आपको क्लियर है, जल्दी से यस नो कर दो. सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं तो सब लोग आप पे फोकस कर रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं. लेकिन मैं बोलूं ई सेंट्रिक कर दो भाई इसको, तो आप स्ट्रेंज, ऑड और वियर्ड लग रहे हैं, क्योंकि आपने सेंट्रिक के आगे में ई लगा दिया. ई सेंट्रिक सिर्फ एक ट्रिक है, ये ट्रिक है. सेंट्रिक में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ई सेंट्रिक में ऑपोजिट कर दो उसका. क्लियर हो गया, जल्दी बता दें क्विकली, समय बहुत कम है हमारे पास और यूटिलाइज हमें पूरा यूटिलाइज करना है. चलिए अन्नू, आई थिंक काना अन्नू विल हेल्प यू. अन्नू आपको बता रहे हैं, अन्नू से देख लें, आप मैसेज पढ़ लें. एंडेवर का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ट्राई करना, अंडरटेक करना या स्ट्रगल करना. कुछ भी जब आपका न्यू प्रोजेक्ट आता है लाइफ में आपके पास, आपके हाथ में, तो यू हैव टू एंडेवर फॉर दैट प्रोजेक्ट. किसी नई कंपनी में आप ज्वाइन करते हो, सो यू हैव टू एंडेवर, यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू अंडरटेक मेनी असाइनमेंट्स टू प्रूव योर सेल्फ. समझ रहे हो कि नहीं? तो एंटोनिम क्या होगा, क्विट एंड सीज. आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग माई एक्सप्लेनेशन? तो आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं, सीधा क्विट कर रहे हैं, सीधा सीज कर रहे हैं. अरे जब स्ट्रगल कर रहे हो तो मेहनत कर रहे हो ना. मेहनत कब करोगे, जब आप किसी चीज को अंडरटेक करोगे. किसको? कोई असाइनमेंट को. तो जैक एंडेवर्ड फॉर हिज न्यू प्रोजेक्ट. जैक ने काफी मेहनत करी, काफी स्ट्रगल किया, काफी अंडरटेक करा अपने असाइनमेंट्स को, काफी ज्यादा ट्राई किया. तो एंटोनिम क्या होगा, मेहनत ना करना, तो मतलब क्विट ही करोगे ना सीधा. अरे भैया हमसे ना हो पाएगा. सही बोल रही हूँ कि नहीं? जन्नत माली, काफी ज्यादा बड़ी स्क्रीन है ऑलरेडी. सही बोल रही हूँ या नहीं? स्ट्रगल मतलब मेहनत करना होता है ना, बहुत ही. तरुण बहुत स्ट्रगल करा, संघर्ष करा, संघर्ष करना, बहुत स्ट्रगल करना, मेहनत करना. तो क्विट मतलब नमस्ते, राम राम बुला दी और चल दिए, खत्म. कोई मेहनत नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं. एम आई क्लियर, येस और नॉट? एलोक्वेंस बहुत ही अच्छा शब्द है, एलोक्वेंस. टाइम बहुत कम है, वर्ड्स बहुत ज्यादा हैं हमारे पास, बट आई एम हैप्पी हमने लेटर डी कवर करा, लेटर ई कवर करा, दोनों लेटर्स हमारे कवर हो गए. और भी लेटर्स इसके लिए मैं लेकर आऊंगी, डोंट वरी, स्टे ट्यून्ड फॉर दिस. ठीक है, और लेटर्स लेकर आएंगे. एलोक्वेंस का मतलब होता है स्टूडेंट्स फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशन. स्टूडेंट्स Y251 इज द कोड फॉर माई बैच, दिस इज द कोड फॉर द पेड बैच. आपको कुछ नहीं करना, ये आपको कंप्लीट बैच मिल रहा है मात्र 800 से 850 के बीच में, कंप्लीट बैच विद 6 months वैलिडिटी. ठीक है, आप इस कोड को जरूर लगाएं फॉर योर एफ कैट एंड CDS. हम पेड बैचेस में इस तरीके से ही तैयारी करते हैं, चाहे वो ट्रिक्स हमारी वोकैब से हो, चाहे वो ग्रामेटिकल रूल्स एंड एरर्स के लिए हो. ठीक है, अरे एंडेवर की ट्रिक इतना आसान शब्द है. एंडेवर का मतलब ही होता है स्ट्रगल करना. ठीक है, बहुत अच्छा, ट्राई करना, यू आर ट्राइंग. ठीक है, या सोच लो ऐसे, यार एंडेवर गाड़ी खुद के नाम पे खरीदना है तो ट्राई करोगे तो खरीदोगे. एंडेवर गाड़ी खुद के नाम पे खरीदना है, ट्राई करोगे, स्ट्रगल करोगे, मेहनत करोगे तो खरीदोगे. बहुत अच्छा ट्रिक है ये. सही है नीरज खत्री की? नहीं, अपने नाम पे अपने पैसों से खरीदना है.
विजय आपको सब कुछ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, जल्दी बता दीजिए नीरज कैसा लगा ट्रिक। थैंक यू सो मच अन्नू, थैंक यू सो मच। एलोक्वेंस का मतलब व्हेन यू हैव अ ग्रेट फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशन व्हाइल और नॉट व्हाइल, ग्रेट फ्लुएंसी ओवर अ सब्जेक्ट ओवर अ लैंग्वेज। सो एंटोनिम क्या होगा, जब आप रुक रुक कर बोलते हैं दैट इज कॉल्ड हॉल्टिंग। स्टैमरिंग मतलब अगेन रुक रुक कर बोलना। ठीक है, नहीं तरुण खुद से खरीदना है, डाउन पेमेंट पे खरीदना है, तो ट्राई करोगे, स्ट्रगल करोगे और जरूर खरीद पाओगे। आई एम श्योर श्योर ऑफ दैट। जी, मैंने एंडेवर गाड़ी की ही बात करी अनु। चलिए एलोक्वेंस का बात बताइए, सभी को क्लियर है? पेड बैच में हम ऐसे ही पढ़ते हैं, न्यू स्टूडेंट जो है वो यहाँ से जानकारी ले ले। माई नेम इज अमृत कौर, जिनको नहीं पता यहाँ से इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ले। चलिए, ये समझ आया सबको? कोई डाउट एलोक्वेंस के लिए? कोई डाउट? रुक रुक कर बोलना, स्टैमर करना इज कॉल्ड हॉल्टिंग एंड स्टैमरिंग। ऑन द अदर हैंड एलोक्वेंस मीन्स फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशन। हिज एलोक्वेंस हैड अ ग्रेट होल्ड अपॉन द मासेस, मतलब उसकी फ्लुएंसी की बहुत ही ज्यादा कमांड थी, बहुत ही ज्यादा होल्ड था। ठीक है, थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, जल्दी राहुल की तरह फटाफट से इंटरेस्टिंग का लेटर एक वर्ड टाइप कर दो, थम्स अप लगा दो, जल्दी से सेशन को लाइक जरूर कर दो। लाइक बिल्कुल भी नहीं, जितने लोग देख रहे हैं उतने भी लाइक नहीं है। वेरी गुड वेरी गुड, पक्का दे दूंगी तरुण, जल्दी से। तरुण सभी को ग्रुप के बारे में बता दीजिए जल्दी, ताकि बच्चे जो पूछ रहे हैं उनको बता दीजिए एक बारी। हेल्प वन ईच वन टीच वन। चलिए, जो भी पूछ रहे हैं उनकी, आई थिंक अन्नू एंड तरुण विल हेल्प यू गाइस, द वंस दोज हु आर आस्किंग। ठीक है, चलिए। एपिटोम क्या होता है? एपिटोम इज वेरी प्रिसाइज एग्जाम्पल टाइप, फॉर एग्जाम्पल अ कंप्लीट वर्जन। शी लुक्ड द एपिटोम ऑफ एलिगेंस, व्हाट अ ब्यूटिफुल सेंटेंस। सो शी लुक्ड द प्रिसाइज ऑफ एलिगेंस, नहीं, शी लुक्ड द प्रिसाइज वर्जन, मतलब कि बिल्कुल ही प्रिसाइज, मतलब छोटा। शी लुक्ड द एपिटोम ऑफ एलिगेंस, इसका मतलब होता है प्रिसाइज का मतलब होता है छोटा। ठीक है, लेकिन कंप्लीट वर्जन होगा उसका एग्जाम्पल, सॉरी एंटोनिम, दैट इज द ऑपोजिट वर्ड। किसी को कोई डाउट यहां तक आ रहा है जल्दी बता दीजिए, ताकि हम आगे बढ़ पाए। फिर हमने इसका टेस्ट भी लेना है अभी, लेटर ई का, जैसे डी का लिया था, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे नहीं बोलेंगे। बेसिकली यू कैन राइट, और मैं आपको बताती हूँ, दिस समथिंग लाइक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। ठीक है, सो शी लुक्ड द एपिटोम ऑफ एलिगेंस, मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिगेंस। एलिगेंस किसको कहते हैं? उसको। शी इज द परफेक्ट, शी लुक लाइक, और शी इज द, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, शी इज दी परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एलिगेंस। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आपको समझ आया या नहीं आया अभी जल्दी से बता दीजिए, अभी टाइम है, मैं 1-2 मिनट और एक्सटेंड कर लेती हूँ, जल्दी से आगे आगे करते हैं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं सभी को वेलकम। अभी यहाँ तक समझ आया जल्दी यस नो लिखो, फिर आगे बढ़ाएं। सभी को समझ आया या नहीं? थैंक यू केसी यादव, चलिए सभी को समझ आया, थैंक्स तरुण, प्लीज हेल्प देम ऑल इफ दे नीड योर असिस्टेंस इन दिस। समझ आया? प्लीज जल्दी यस नो कर दीजिए। इंटरेस्टिंग सेशन है तो एक बार इंटरेस्टिंग लिख दीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना भूलना ही मत, फटाफट से शेयर कर दो। लुक्ड कहाँ लिखा है? परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, शी लुक्ड द एपिटोम
ऑफ एलिगेंस। हाँ तो मतलब लुक्ड, मतलब एपिटोम का मतलब हो ना परफेक्ट एग्जाम्पल, तो शी लुक्ड लाइक अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। साब सिंह, शी लुक्ड लाइक अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, ठीक है साब सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी। इराडिकेट का मतलब बहुत ही स्पष्ट होता है, हमें पता होता है, डिस्ट्रॉय कर देना, अगेन पुट टू एन एंड, खत्म कर देना एकदम किसी चीज को, खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय मतलब बिल्कुल ही तबाह, उजाड़ देना, तबाह कर देना, अगेन उजाड़ देना, तबाह कर देना, लेकिन ये बिल्कुल ही पुट टू एन एंड है। सो एंटनिम क्या होगा? सिक्योर करना किसी चीज को, प्लांट करना किसी चीज को, सेव करना, सेव एंड सिक्योर करने को आप बोलेंगे एंटनिम ऑफ इराडिकेट। तरन जल्दी से हेल्प कीजिए। आई थिंक नीरज, देयर इज वन मोर कैंडिडेट जिन्होंने ऊपर काफी बार चैट बॉक्स में डाला भी है, आप चेक कीजिए। अभी भी मैं देख रही हूँ, सम कैंडिडेट्स आर पुटिंग इन द डायरेक्ट लिंक, आप उस लिंक पे जाइए, आपको समझ आ जाएगा। आपका नाम क्या है? लेट मी जस्ट, नीरज, नीरज खत्री, कोई कैंडिडेट प्लीज पूरा डाल रहे हैं, लिंक डाल रहे हैं, उनको प्लीज आप जा करके कर लें ज्वाइन, ठीक है। चलिए इराडिकेट समझ आया। दिस डिजीज हैज बीन इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, कोरोना विल सून बी इराडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसके लिए मत घबराएं, अभी क्लैरिटी और कंटेंट के लिए घबराएं और समझें जो कि मेन है, कंटेंट क्लैरिटी कर लो अपनी। चलिए तरुण ने आपकी हेल्प कर दी, तरुण ने सभी को यहाँ पे एक नाम बता दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लें। द वंस दोज हू हैव नॉट ज्वाइन, एनी डाउट टिल हियर स्टूडेंट्स, माई डियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट टिल हियर, फटाफट से क्विक रिविजन कर लेते हैं जल्दी से। इसेंट्रिक मतलब कि ऑड स्ट्रेंज, ट्रिक मैंने बताया, एक्सेसी ओवरवेलमिंग फीलिंग एंड हैप्पीनेस, एंडेवर ट्राई करो गाड़ी खरीदने का, स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, मेहनत करो। एलोक्वेंस बहुत ही अच्छी फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशन, एपिटोम मतलब कि अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ समथिंग, इराडिकेट करना, खत्म कर देना। इतना फटाफट से हमने कर लिया, जल्दी जल्दी बताएं, यस नो कंफ्यूजन। इक्विवोकल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, कुछ भी चीज जब आपको अनक्लियर है, अनसर्टेन है, या कंफ्यूज्ड हो आप किसी चीज के बारे में, तो एंटोनिम क्या होगा? बहुत ही ऑब्वियस एंड लूसिड, ठीक है ना, या फिर आप सर्टेन भी लिख सकते हो, बोलते हैं ना आई विल सर्टेनली डू इट, आई विल सर्टेनली डू इट, आई विल ऑब्वियसली डू इट, आई विल श्योरली डू इट, ठीक है। तो आप यहाँ पे सर्टेन भी लिख, या फिर आपको कुछ पूछता है विल यू बी एबल टू डू इट, तो यू विल से सर्टेनली मैम, बहुत ही पोलाइट, रिस्पेक्ट और प्यार भरे तरीके में, सर्टेनली मैम या सर्टेनली सर, ठीक है, पोलाइट रिस्पेक्ट और एक अच्छे वे में, सर्टेनली यस, पोलाइट यस। चलिए समझ आ गया, इक्विवोकल मतलब जो चीजें आपको क्लियर ही नहीं है, ठीक है। Example, the results of the investigation were equivocal, which were not clear, which were unclear or confusing. Yes, no. Yes, no. Quickly बता दो जल्दी से ताकि मुझे समझ आ जाए, you all are getting. चलिए very good, very good. अब letter F पे जा रहे हैं, you want a test first. एलोक्वेंस, एंडेवर, एक्सटेसी, जल्दी जल्दी टेस्ट कर रहे हैं आप, बस इसमें यहाँ पे मीनिंग बताएं और एंटोनिम बताएं। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ स्टूडेंट्स कि बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने ये चीजें करी हैं आज, और इसी तरीके से हम क्लास में भी करते हैं। मात्र 800 से 850 का कोर्स है, फुल कंप्लीट बैच, एक हमारा 13 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, एक 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, दिस इज सी डी एस एंड दिस इज एफ कैट। जिसमें भी एडमिशन लेना है तुरंत ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से बताते रहे, एक्सटेसी, इक्विवोकल, एंडेवर, एलोक्वेंस, क्विकली गोइंग बैक टू सम मोर वर्ड, यस इराडिकेट, चलिए जल्दी से, वेरी गुड, परफेक्ट।
रोहित ने बहुत ही सही जवाब दिया है यहाँ पे, विच मीन्स फ्लुएंसी। एंडेवर का मतलब स्ट्रगल करना और ट्राई करना। वेरी गुड, क्या बढ़िया तरीके से सभी को वोकैब लर्न हो रहा है। एक्सटेसी मतलब क्लाउड नाइन फीलिंग, एकदम ओवरवेलमिंग एंड हैप्पी। इक्वी वोकल बताएं जल्दी से। हैप्पी, ओवरवेलमिंग, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। इक्वी वोकल बताएं जल्दी से। अनक्लियर, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। आई एम मोर देन हैप्पी। आप लोग ऑप्शंस देखे बिना आंसर कर रहे हो, आप लोग ऑप्शंस भी देखे बिना आंसर कर रहे हो, वेरी गुड। इराडिकेट, किसी चीज को बिल्कुल इराडिकेट कर देना, बिल्कुल इराडिकेट कर देना, खत्म कर देना। व्हाट विल यू से, किसी चीज को इराडिकेट कर देना, जल्दी बताएं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। इट इज टाइम टू गो एंड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू नाउ। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों को आई होप यू एंजॉयड। चलिए, कल फिर से मिलेंगे इसी टाइम इसी समय 2 बजे। टिल देन टेक केयर एवरीवन, स्टे सेफ स्टे होम, एंड सभी लोग अच्छे से तैयारी करें। होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर बेयरिंग मी फॉर दिस 40 मिनट्स। आई टुक यू 40 मिनट्स टुडे। ऑलराइट, सी यू ऑल टुमारो। टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी। जय हिंद।